everyone, welcome back to my channel. If you are seeing this was for the first time, hi, my name is Akansha and I'm so happy if you take a moment and subscribe to my channel. So आज का वीडियो है Flipkart and Amazon की जो बिग बिलियन डे सेल थी उसका हॉल पार्ट टू वीडियो. इसका पार्ट वन भी है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो अभी शायद दोबारा से सेल आने वाली है Flipkart पे, शायद आने वाली है, देखा था मैंने. आज में एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बहुत बड़ा प्रोडक्ट है या फिर बहुत ज़्यादा प्राइस का है लाइक, तो वो क्या है वो तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी. तो अभी हम डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की तरफ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले मैं फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट दिखा लेती हूँ, देन उसके बाद मैं अमेजोन के प्रोडक्ट दिखाऊंगी. तो फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट जो है वो सबसे फर्स्ट वन जो है वो है दिस वेगा का लॉन्ग कर्ल हेयर कर्लर. वैसे मेरे पास एक और कलर है लाइक 3-in-1 जो वेगा का कलर और क्रिम्पर और स्ट्रेटनर आता है वो, बट उसका कलर जो कलर वाला जो पार्ट है वो अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये वाला पार्ट कलर मंगाया है, क्योंकि ये लॉन्ग हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा कलर है, बहुत ही इजीली कर्ल हो जाते हैं इससे बाल. इस तरह की पैकेजिंग में था ये, और लाइक दिस इज द कलर. इसका जो बैरल है ये 210 mm का बैरल है इसका, एंड बैरल का जो डायमीटर है वो 22 mm डायमीटर. इसमें टेम्परेचर सेट करने के लिए भी दे रखा है, 80°C से 230°C तक इसका टेम्परेचर जाता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा. और 360° रोटेशनल कॉर्ड है इसकी, ये भी काफ़ी अच्छे की जो वायर है वो टूटने का डर नहीं रहेगा. सो गाइज, अगर आप लोग इस वाले का रिव्यू देखना चाहते हैं लाइव तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी. और इसका MRP आई थिंक 1400 समथिंग था सेल के टाइम पे, अभी कितना हो गया शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1600 के या 1700 के आसपास हो गया. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन. ओके, सो जो नेक्स्ट वन है वो है दिस ये सैंडल है ऑलिव फैशन कोई ब्रांड की है, और ऐसे कॉफ़ी टाइप के शेड में ये कुछ ब्राउन या कॉफ़ी कलर में है, और बैक से भी इसका काफ़ी अच्छा पार्ट है, मतलब कि ऐसा नहीं कि पानी में ख़राब हो जाए. और इसका MRP भी काफ़ी कम है, लाइक 300 something के आसपास की मुझे मिल गई थी, और इसमें मैंने अपना साइज़ दिया था 36, जो कि मुझे इजीली आ जा रहा है. और मतलब काफ़ी अच्छी सैंडल है, मुझे काफ़ी पसंद आई, प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी पसंद आई. जैसे मैंने इससे पहले जो मंगाई वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी, बट ये 300 something के आसपास की थी. तो दिस इज़ द नेक्स्ट वन, और सारे प्रोडक्ट के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा. ओके, सो जो नेक्स्ट वन है वो है दिस बॉक्स में मुझे कुछ रिसीव हुआ है, लाइक बॉक्स में क्या ज्वेलरी रिसीव हुई है मुझे इस बॉक्स में. सो ये ज्वेलरी काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं मंगाऊँ, बट अब फाइनली मैंने मंगा ली है. इसका MRP भी 200 something के आसपास है, मैं नीचे दे दूँगी सारे MRP. तो इस वाली ज्वेलरी में जो है मुझे लाइक लुक एट दिस, ये इसका नेकलेस है, नेक पे आएगी इस टाइप से, यहाँ पे कुछ मोती दे रखे हैं, और बीच में ऐसे कुंदन का कुछ वर्क, कुंदन के स्टोन लगे हुए हैं साइड, ऊपर से मोती लगे हुए हैं इसमें ज्वेलरी में इस टाइप से. और इसमें मुझे इसके साथ मांगटीका भी रिसीव हुआ है, मांगटीका में जो नीचे वाला पार्ट है उसमें कुंदन एंड मोती लगे हुए छोटे छोटे से पर्ल्स बोल सकते हैं, और ऊपर पे भी यहाँ पे ऐसे पर्ल्स लगे हुए, चेन जो है इसकी पूरी पर्ल्स की है. लाइक साड़ी ऑन ऑल में हम इसे साड़ी लहंगा में इसे वेयर कर सकते हैं, जो कि अगर हमें सिंपल सा कुछ हैवी वेयर नहीं करना है तो हम इसे वेयर कर सकते हैं इस वाले सेट को. और इसके साथ मुझे मिल जाते हैं ये वाले इयररिंग्स कुछ इस तरह से, सब कुछ सेम है, बीच में कुंदन के स्टोन लगे हुए हैं और साइड से ऐसे मोती लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट सा लुक देते हैं बहुत. और प्राइस भी बहुत कम है, 200 something के आसपास के प्राइस में मिल गए थे, तो काफ़ी अच्छे प्राइस में ये मुझे रिसीव हो गए. ओके सर, नेक्स्ट वन इज़ दिस कुर्ती शरारा विद दुपट्टा. इस वाले हॉल में मैंने एक ही कुर्ती शरारा दुपट्टा मंगाया, मतलब एक ही ड्रेस मंगाई है, और सब कुछ लाइक कुछ मेकअप है, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स है, इस टाइप से चीज़ें हैं. दिस इज दी कुर्ता, ऐसे कुछ आपको लाइक सीक्वेंस में यहाँ पे ऐसे मिरर सा वर्क देखा है, पूरी कुर्ती में सीक्वेंस मिरर वर्क है, और आगे से ऐसे 3 buttons लगे हुए हैं, और इसमें गोटा पट्टी का काम भी हो रखा है. लाइक दिस इज दी गोटा पट्टी का वर्क भी इसमें साइड में और नीचे बॉटम में हमें गोटा पट्टी का वर्क मिल जाएगा. और इसका गोटा पट्टी का वर्क तो इसके शरारा में भी हो रखा है और दुपट्टे में भी हो रखा है. इसका शरारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा है शरारे का. लुक एट दिस शरारा, गोटा पट्टी का वर्क पूरा शरारे में लाइक लाइनिंग टाइप की देखी गोटा पट्टी के वर्क की, मिडल में फिर उससे थोड़ा सा नीचे, एंड देन फिर बॉटम में भी ऐसे, और सेम गोटा पट्टी का वर्क. इसका जो दुपट्टा है बिल्कुल प्लेन है, और दुपट्टे में ऐसे गोटा पट्टी का वर्क दे रखा है साइड से, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था. एंड इसका जो मुझे सेल टाइम में MRP मिला था 800 के आसपास मिला था, और अभी इसका MRP शायद 1000 rupees के आसपास हो गया है शायद, ऐसा ही कुछ हो गया है. सो दिस इज द नेक्स्ट वन. ओके, सो जो नेक्स्ट वन है वो है दिस
टी लाइट कैंडल्स जो कि ओ माय गॉड ये मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल गई थी। टी लाइट कैंडल ये सेट ऑफ 100 का है और ऑरा डेकोर से आ रखा है। ये ऑरा डेकोर शायद कोई ब्रांड होगी, वहाँ से आया है। एंड इसमें मुझे एमआरपी दिया 599 और ये मुझे 200 समथिंग के आसपास का मिल गया था। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये मुझे इतने कम प्राइस में रिसीव हो गया 200 समथिंग के आसपास का। मैं इसका एक पीस आपको निकाल के दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द कैंडल लाइट। ये नीचे से ऐसा कुछ मेटल टाइप का पार्ट है और ऊपर से ऐसे कैंडल है। सो दिस इज़ द कैंडल जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है कैंडल इसकी। सो दिवाली में कैंडल्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने ये दिवाली के लिए मंगाया। सेट ऑफ 100 है तो काफ़ी ज़्यादा हैं कैंडल्स, तो इसलिए सो दिस इज द नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट वन है वो है दिस। इस बॉक्स में क्या है आप लोग गेस करिए। इतना बॉक्स में इतना ज़्यादा पैक होके आया, मतलब कुछ ग्लास का ही आइटम होगा। सो दिस इज द लाइक कैंडल होल्डर्स। अब कैंडल मंगाइए तो उसके होल्डर्स भी होने चाहिए। सो दीज आर द सेट ऑफ 4 कैंडल होल्डर्स। सो सारे जो होल्डर हैं वो सेम है, तो मैं आपको एक दिखा देती हूँ। इस तरह से बहुत अच्छी पैकेजिंग में आए थे, मतलब पहले एक कार्डबोर्ड उसके अंदर फिर ऐसे रैप करके, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुए थे। सो दिस इज़ द कैंडल होल्डर। लाइक देखिए पूरे ग्लास का है और इसमें ऐसे कुछ वर्क टाइप का हो रखा है, लाइक ग्लास से ही वर्क हो रखा है, जो भी हो रखा है, पेंट हो रखा है या फिर जो भी आप बोलेंगे इसको। ये सेट ऑफ 4 मुझे रिसीव हुआ है, मतलब मैंने सेट ऑफ 4 ऑर्डर किया था और बिल्कुल सारे के सारे सेम हैं, कुछ भी अलग नहीं है सब में। हल्का सा हो सकता है कि कलर का थोड़ा सा डिफरेंस हो, बाकी सब सेम है। तो ये मुझे अराउंड 300 के आसपास मिल गए थे और इसमें एमआरपी जो दे रखे 899 दे रखा है। ओ माय गॉड 900 रुपीज़ एमआरपी दे रखा है और मुझे रिसीव हो गए थे अराउंड 300 के आसपास। ये मुझे चारों के चारों रिसीव हो चुके। सो यहाँ पे मेरे फ्लिपकार्ट के सारे ऑर्डर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। हाँ, फ्लिपकार्ट का एक ऑर्डर बचा हुआ है जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाने वाली हूँ। तो अभी हम चलते हैं अमेजोन के प्रोडक्ट्स की तरफ। तो अमेजोन से मैंने सारे जो मंगाए मेकअप प्रोडक्ट्स टाइप भी आप या ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप बोल सकते हैं। सो सबसे फर्स्ट वन जो मैंने अमेजोन से मंगाया है दिस निविया सॉफ्ट विटामिन ई मॉइस्चराइजर। निविया के जो मॉइस्चराइजर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब अभी जैसे विंटर आने वाला है तो हमारे हाथ थोड़ा ड्राई हो जाते हैं, उस टाइम पर हमें ऐसे मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ती है जो बहुत ज़्यादा क्रीमी फॉर्म में हो। सो इसका जो मॉइस्चराइजर वो बहुत ज़्यादा क्रीमी फॉर्म में, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा इसका मॉइस्चराइजर की जो थिकनेस है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा क्रीमी क्रीमी फॉर्म में आता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है निविया का मॉइस्चराइजर और मेरे घर पे भी सबको बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने ये मंगाया। और इसका बड़ा पैक मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि ये मुझे 175 या 180 रुपीज़ में रिसीव हो गया था, जिसका एमआरपी है अराउंड 399 इसका एमआरपी है। मुझे 175 या 180 में अमेजोन पर मिल गया था इजीली। सो बहुत अच्छा प्राइस, बहुत अच्छी डील में मिल गया था, तो इसलिए मैंने ये वाला मंगा लिया। सो जो नेक्स्ट है वो भी एक मॉइस्चराइजर है, वो है दिस पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है शायद। तो दिस इज़ दी विटामिन ई प्लस ग्लिसरीन वाला टाइप का मॉइस्चराइजर है। लाइट मॉइस्चराइजर है, नॉन ऑयली, फ्रेश फील हमें कराने वाला मॉइस्चराइजर है ये मॉइस्चराइजर। मतलब मैं काफ़ी टाइम सोची थी मैं इसे मंगाऊं या नहीं मंगाऊं, क्योंकि इसके रिव्यू देखे थे मैंने, काफ़ी अच्छे अच्छे आए थे। सो अभी जब मैंने मंगा के इसे यूज़ भी कर लिया है काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे ये काफ़ी पसंद है, बहुत अच्छा, लाइक बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। और अगर हमने स्किन पे से अप्लाई भी कर दिया तो हमें ऐसा ड्राई ड्राई भी फील नहीं होगा विंटर्स में अगर हम इसे अप्लाई करें तो। दिस इज़ मतलब मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, अगर आप कोई मॉइस्चराइजर ट्राई करना चाहते हैं लाइट वेटेड, तो आप इस पॉन्ड्स के मॉइस्चराइजर को ट्राई ज़रूर ज़रूर करिए। इसका एम आर पी भी नॉर्मल है, मुझे ये अमेजोन में 230-240 में मिल गया था। इसमें इसका एम आर पी देखा 299 और एक्सपायरी डेट भी इसकी 23 है, तो बहुत ज़्यादा चल जाएगा, मतलब आप इसे ट्राई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वन है वो है दिस यूरोप गर्ल पैरिस का आईब्रो किट। एक्चुअली मेरे पास आईब्रो किट नहीं थी, तो मैंने सोचा कि एक आईब्रो किट तो मंगानी है। मैंने वेट एंड वाइट की आईब्रो किट यूज़ करी, वो भी अच्छी है, पर मैं अभी कुछ और न्यू यूज़ करना चाहती थी, इसलिए मैंने दिस यूरो गर्ल की मंगा ली। ये भी मैंने अमेजोन से लिया है और ये भी मुझे अराउंड 300 समथिंग के आसपास पड़ गया था। इसमें एमआरपी इसका देगा 400 और ये अंदर से कुछ ऐसी पैकेजिंग में रिसीव होता है, लाइक बहुत अच्छी पैकेजिंग है इसकी। देन आई विल शो यू, यस ये इसके शेड है, इसमें एक मिरर रिसीव हुआ है, ये 3 शेड रिसीव हुए हैं और हमें एक ब्रश भी रिसीव हो रखा है इसके साथ। छोटू सा ब्रश है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। इसमें हमें एक ब्लैक, ब्राउन एंड कॉफ़ी कलर का शेड रिसीव हुआ है, जो कि मतलब मैंने देखा यूरोप गर्ल के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार इसका आईब्रो किट ट्राई करते हैं, देन इसके बाद इसके अदर प्रोडक्ट्स भी ट्राई कर लेंगे। सो दिस इज़ द नेक्स्ट वन। ओके, सो मैं जो अब आपसे बात करी, जो मैंने आपको
सबसे मेन दिखाना है वो है, वो मैं आप लोग को ऐसे ओपन करके नहीं दिखा सकती, वो है दिस एलईडी। मैंने अपने घर के लिए एक 43 इंच की एमआई की 4x अल्ट्रा एचडी एलईडी मंगाई है, जो रिटेल करती है प्राइस 26,000 मतलब 25,999, जिसमें मुझे 1500 का डिस्काउंट भी मिला था, तो 24,400 समथिंग रुपीज़ में मुझे मिल गई थी। सो जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सेल चल रही थी तो सारे कार्ड्स में डिस्काउंट मिल रहा था। सो दिस इज़ द टीवी। इसके फंक्शंस मुझे अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मतलब इसमें नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न प्राइम प्री इंस्टॉल्ड है, और भी बहुत सारे, मतलब जैसे फ़ोन होता है ना सेम वैसा ही फंक्शन, आप समझ लें बिल्कुल वैसा ही सब कुछ है, वैसे ही अपडेट्स आएंगे, सब कुछ सिमिलर है। तो अभी आप लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी और आप लोग के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो और आप लोगों ने इन्जॉय भी करी हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव अ बिग 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 थम्स अप गाइस एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स मीन अलॉट टू मी, अलॉट अलॉट टू मी। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन।